और ना ही समस्त आईटी जगत में कोई और एम्प्लॉय कर सकता है। हे गोल सेटर, मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्ट बजट तो नहीं बढ़ता, किंतु महंगाई तो हर साल बढ़ती है। क्रेडिट कार्ड का बिल देख कर जी घबराता है। यदि एक बार भी फ्लाइट से घर हो आऊं तो कई महीनों तक का बजट नहीं संभाल पाता। अपने बुढ़ापे की तो दूर की बात, मेरा तो आज भी डिस्काउंट कूपन और प्रमोशन कोड्स पर काम चलता है। इतनी कम सैलरी पर तो मुझे अपनी शादी का सपना तक टूटता हुआ दिखता है। अभी से तुम शादी और सैलरी के बारे में सोचना बंद करो पार्थ, ये तुम्हारे सीखने का समय है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है पार्थ? उम्र ही क्या है, जो तोड़ता हूँ सफेद निकलता है। इतने प्रेशर में काम कर कर के मैं उम्र से पहले बूढ़ा होता जा रहा हूँ। ऑफिस में 14-14 घंटे बैठने के बाद मैं बवासीर से ग्रसित हो चुका हूँ। मैगी, बर्गर, पिज्जा खा खा कर कब्जियत जैसे न जाने कितने रोगों की चपेट में आ चुका हूँ। इन रोगों से तो छुटकारा है ही नहीं पार, कहीं तो जाओगे ना, किसी कंपनी में तो स्विच मारोगे। जहां जाओगे वहां दिन रात बैठना पड़ेगा, जिस कंपनी में जाओगे वो दिन रात कुत्ते की तरह काम कराएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ पार्थ, जो हाथ में है उसे संभालो और चुपचाप रेटिंग एक्सेप्ट करके अपना ध्यान सपोर्ट में लगाओ। हे मोटिवेटर, हे गोल सेटर, रेटिंग ही तो मेरा एकमात्र मोटिवेशन है, इसको कैसे भूल जाऊं। रेटिंग की आस में न जाने कितने महीने नाइट शिफ्ट्स में गुजार दिए। जब मुझे वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ हैप्पी आवर्स एंजॉय करना था, मैं यहाँ वीकेंड्स पर सपोर्ट दे रहा था। जब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना था, मैं यहाँ क्लाइंट कॉल्स पर क्लाइंट की गालियां खा रहा था। इतना सब सहने के बाद भी यदि ये फुद्दू सी रेटिंग एक्सेप्ट करनी पड़े तो मेरे लिए मोटिवेशन ही क्या रह जाएगा। सैलरी तो हर महीने लेते हो ना पार्थ, जब प्रोजेक्ट से पहले 3 महीने बेंच पर थे तब भी कंपनी ही सैलरी दे रही थी। समय समय पर अप्रिसिएशन गुडीज तथा पर्क्स भी तो कंपनी ही दे रही है। दिन में 4-4 बार वेंडिंग मशीन से कॉफी भी तो कंपनी की ही पी रहे हो, उसका हिसाब तो कोई नहीं मांगता। तुम अपने सभी स्वार्थों को त्याग कर इन सब सुविधाओं में मोटिवेटेड और खुश रहना सीखो पार्थ। खुश रहना सीखो? ऑन साइट के बदले 400 रुपए के अप्रिसिएशन गुडीज में खुश रहना सीखो, या प्रमोशन के बदले 4 कप कॉफी में खुश रहना सीखो? कोटक बैंक का इंटरेस्ट रेट मेरे पिछले हाइक से ज्यादा हो गया है और आप बोलते हो कि मैं खुश रहना सीखूं? तुम क्या लेकर आए थे पार्थ, जो शोक मना रहे हो? जो पाया इसी कंपनी में पाया। ये मत भूलो पार्थ कि तुम एक आईआईटी रिजेक्टेड चिंदी कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये व्यर्थ का प्रलाप बंद करो और एक स्थित एम्प्लॉय की तरह संतुष्ट रहो, और फिर देखो ये कंपनी तुम्हारी है और तुम इस कंपनी के। स्थित एम्प्लॉय? ये स्थित एम्प्लॉय क्या है प्रोजेक्ट नाथ? ये स्थित एम्प्लॉय जो अच्छी और खराब रेटिंग को समान दृष्टि से देखे और बिना स्विच मारे ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित एम्प्लॉय है। हे लीव अप्रूवर, तो क्या स्थित एम्प्लॉय कभी अपनी रेटिंग के बारे में नहीं सोचता? जो ज्यादा डिमांड करते हैं, बात बात पर प्रमोशन मांगते हैं, ऑन साइट की कामना करते हैं, उन्हें तो थक हार कर स्विच मारना ही पड़ता है पार्थ, और फिर उनके साथ दूसरी कंपनी में भी यही सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्हें अप्रेजल, प्रमोशन तथा ऑन साइट के लिए वहां भी इसी तरह संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए है पार्थ, संशय को त्यागो और तुम्हारे अंदर जो स्थित एम्प्लॉय बैठा है उसे जगाओ। हे रेटिंग दाता, तो क्या कंपनी में बने रहकर अच्छा अप्रेजल पाना असंभव है? बस यही तो बहुत बड़ा भ्रम है। इस रहस्य को समझो पार्थ, इस रहस्य को समझो। इस कॉर्पोरेट जगत में बने रहने के सिर्फ 2 ही मार्ग हैं। पहला यानी स्थित एम्प्लॉय मार्ग, जो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। और दूसरा मार्ग? भक्ति योग। यदा यदा ही जो चाटस्य इच्छा रेटिंग वह प्राप्तम। इस मार्ग पर तुम्हें मेरी हर समय चाटनी पड़ेगी पार्थ। मेरे घटिया से घटिया चुटकुलों पर हंसना पड़ेगा, मेरे साथ लंच करना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर्स तथा दोस्तों की चुगलियां मेरे सामने करनी पड़ेंगी। इस मार्ग पर चलने वाला एम्प्लॉय चाटू मार्ग पर चलता है। तुम मेरी भक्ति करो पार्थ और अगले अप्रेजल में इसका परिणाम भी देखिए। हे गोल सेटर,
तो क्या आने वाले समय में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इसी तरह मरती रहेगी? वो समय तो कभी था ही नहीं पार्थ, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मारी न गई हो। जब मैं फ्रेशर था तब मेरी मारी गई, आज मैं तुम्हारी मार रहा हूँ और कल तुम किसी और की मारोगे। यही कॉर्पोरेट जगत का नियम है। जो रोल आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। प्रोजेक्ट तुमसे नहीं है पार्थ, तुम प्रोजेक्ट से हो। इसीलिए प्रोजेक्ट हित को ही अपना परम कर्तव्य मानो। हे पार्थ, ये मत भूलो कि तुम एक महान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अगर आज तुम इस रेटिंग के लिए डिससैटिस्फेक्शन शो करोगे तो कल फ्रेशर्स को तुम यही मार दिखलाओगे, और फिर कल जब तुम मैनेजर बन जाओगे तो वो भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तुमसे ही लड़ेंगे पार्थ, तुमसे ही लड़ेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आपका विराट रूप देख लिया था। मतलब? नहीं सर, कुछ नहीं। So satisfied with your rating now? Yes sir, completely. So go now. रेटिंग तो बढ़ी नहीं, मिला है आईटी ज्ञान। दसू ने ऐसा डसा, मर गए सब अरमान। करे स्वागत। आईटी की है कहानी दशकों से भी पुरानी, फ्रस्ट्रेशन की ये गंगा कोडर्स की है जुबानी। ये आईटी स्वार्थी है, फ्रेशर्स की मारती है, फ्रस्ट्रेशन की ये गंगा फ्रेशर्स की है कहानी। This is IT World.